नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए दविंदर सिंह राणा जी, सर आपने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोगरों का अस्तित्व और डोगरों की जो आइडेंटिटी है यहाँ पे खतरे में रहेगी अगर आर्टिकल 35 एक ये मैंने नहीं कहा। ये 1927 में डोगरों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर से कहा और महाराजा हरि सिंह बहादुर ने अपनी दूर अंदेशी का मुजाहरा देते हुए डोगरों की पहचान को बरकरार रखने के लिए, उनके व्यवसाय को बरकरार रखने के लिए, उनके खान पान को बरकरार रखने, उनके माहौल को बरकरार रखने में महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने कहा, समझा और 1927 में जो स्टेट सब्जेक्ट लाया, ये मैंने नहीं लाया, ये मैंने नहीं कहा, ये जम्मू के डोगरों ने महाराजा हरि सिंह जी बहादुर को कहा और महाराजा साहब ने किया और उसी वजह से और लैंड टू द टिल शेख साहब का वो जो है उसकी वजह से आज सारे रोटी खाते हैं इज्जत की जम्मू कश्मीर के जो हैं रहने वाले और सारे के सर पे छत है, कोई रात को छत के बिना बाहर नहीं सोता। ये उसी स्टेट सब्जेक्ट एक्ट और शेख अब्दुल्ला साहब की वो लैंड टू द टिलर की वजह से हुआ है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जम्मू के डोगरे खतरे में आ जाएंगे, आर्टिकल 35 है हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? आर्टिकल 35 ए हटा तो स्टेट सब्जेक्ट लॉ खत्म हो गया। महाराजा हरि सिंह बहादुर का लाया हुआ कब्ज जो जम्मू के डोगरों के लिए, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, लद्दाख के लद्दाखियों के लिए और हमारे आने वाले मुस्तकबिल में, गल सुनो मेरी गल दसो तो जी रोज इनकी बोलते मीस रहा हूँ इतने डोगरी बोलने वाले किन्ने रही दे, थोड़े ही रही दे, जेडे डोगरी संस्था भी बनाते भी पंजाबी डोगरी बोलते, ये भी सुन लो अद्धे होंगे जो भी पंजाबी बोलते, डोगरी बोलने वाले मुक्की दे। ते जे स्टेट सब्जेक्ट ला खत्म होया ना जी, इतने पंजाबी हरियाणवी बिहारी सब के चलनी है, ते जे वो कबूल है तुसें ते हटाई ओड़ो 35A, अगर 35A हटाया ना महाराज जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं रहनी, इतने इतने होनी पंजाब हरियाणा पुलिस, 6.5 फुट के ग्रांडील जवान आऊंगे फिर वो करेंगे ऐ पापा कितों आया पाक कितों आया, ए वो नहीं रोने मुंशी आओ जी भरा जी दसो की आए मुंशी होगा उन्हें बैठे होना उन्हें आना पाक कितों आया ला दे इन पैंतरे तो फिर पता लगना के है 35A। आपकी स्टेटमेंट कश्मीरी कश्मीर के पॉलिटिशियन से मिलती हुई इंक्लाइंड होकर ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि या फिर एक सच्चे डोगरे होने के नाते, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मैं सच्चा डोगरा हाँ, मैं डोगरा हाँ, मुझे गर्व है मैं डोगरा हूँ, मैं डोगरा था, मैं डोगरा हाँ और मेरी अगलियां नस्लां भी डोगरा रहनगियां, सुन लो, लेकिन हूँ जम्मू कश्मीर का भी बाशिंदा। मैं उस तो पहले एक सैकुलर इंसान भी हाँ जरा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की गल करता, तुहाड़े सर्टिफिकेट नहीं मी चाहिए ना उन्दे चाहिए जेडे कहानियां सुनांदे, उन्हें आखो पहले अपना अस्तित्व क्लीयर करन, उन्दे अपने क्लैरिटी नहीं महिलाओं और अगर 35A गया तो जिथे रहना, तू जवान आदमी है जी तो बड़ी दूर रहना लायक है मुड़ा, एक गल याद रखियो आने वाली नसलां जो निका जहा होना ना पप्पू तुहाड़ा उन्हें जो बड़ा होना ना उन्हें पौले मारने उन्हें है ना मेरा बापू उस गुनाह करिए मेरे हाल पे रहम करो मेरे भाई, ऐसी सियासत मत खेलो कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खराब हो जाए, बस इतना रहम करो। यही मीडिया से भी अपील है, यही वो मेरे साथी जो बहुत नाच रहे हैं उनको भी समझा दो सियासत मत खेलो, सीटा आनियां जानियां पावर आउंदी जंदी गवर्नमेंट आनी जानी कदे उन्हें बनानी कदे असें बनानी चलता रहना, लेकिन जम्मू कश्मीर की शनाखत, जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की जेड़ा कवच महाराजा हरि सिंह बहादुर ने दिता उसी तोड़ो।